साहब जब सड़क पे जाते होंगे आपको अलग अलग रंग के ये पत्थर दिखते होंगे नंबरों के साथ, पर इन रंग का क्या मतलब आपको नहीं पता होगा। येलो होता है नेशनल हाईवे, ग्रीन होता है स्टेट हाईवे, ब्लैक होता है सिटी रोड, और जो ऑरेंज कलर का होता है वो है गांव की सड़क होती है। तो आंखों के बारे में गजब की जानकारी है। आंखें हमारी कितनी मेगापिक्सल होते हैं, तो देखिए आंखें होती है हमारी 576 मेगापिक्सल, ठीक है, और हम 70 डिग्री एंगल तक देख सकते हैं और हम 48 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं अगर आसमान साफ है और धूल नहीं है तो, और हम 28,000 बार पलक झपकते हैं सिर्फ एक दिन। गजब की जानकारी है, पसंद आए तो लाइक जरूर करो। दोस्तों आप जान के हैरान हो जाएंगे एक जहाज कितना माइलेज देता है। दोस्तों एक बोइंग 77 400 से 500 पैसेंजर को एक बार में ले जाता है और एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में 4 लीटर तक पेट्रोल बर्न कर देता है। आपने गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक पुलिस को जरूर देखा होगा, वो हमेशा सफेद कपड़ों में तो ऐसे दो कारणों की वजह से होता है। इनको पूरा दिन गर्मी में खड़ा होना होता है इसलिए सफेद टारगेट ताकि धूप से बचे रहे। सफेद रंग हमें सबसे दूर से दिखाई देता है इसलिए सड़क के बीच में खड़े भी सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में ये चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए कि 182 मीटर की उसकी ऊंचाई है, 50 लाख किलो लोहा लगा हुआ है और वो गुजरात इंडिया के अंदर बनी है। 31 अक्टूबर को वो उद्घाटन हुआ था उसका और जोसेफ मीना ये आर्किटेक्ट है जिसने बनाई है। जूस कितने तरह के आते हैं और कब कौन सा जूता डालना चाहिए ये आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं स्नीकर शूज जो हम डेली यूज में ये लेते हैं, फिर आते हैं हाई टॉप शूज जिसमें एंकल पे सपोर्ट मिलता है, फिर आते हैं स्पोर्ट शूज जो रनिंग या ज्यादा चलने वाले काम में यूज होते हैं, फिर आते हैं लोफर जो अच्छे ट्राउजर वगैरह के साथ यूज होते हैं, बूट खराब रास्तों के लिए अच्छे होते हैं, और फॉर्मल शूज फॉर्मल ड्रेस के साथ अच्छे लगते हैं। शूज कितने तरह के आते हैं और कब कौन सा जूता डालना चाहिए ये आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं स्नीकर शूज जो हम डेली यूज में लेते हैं, फिर आते हैं हाई टॉप शूज जिसमें एंकल पे सपोर्ट मिलता है, फिर आते हैं स्पोर्ट शूज जो रनिंग या ज्यादा चलने वाले काम में यूज होते हैं, फिर आते हैं लोफर जो अच्छे ट्राउजर वगैरह के साथ यूज होते हैं, बूट खराब रास्तों के लिए अच्छे होते हैं, और फॉर्मल शूज फॉर्मल ड्रेस के साथ अच्छे लगते हैं। आजकल सभी अपनी गाड़ी और बाइक के टायर में नाइट्रोजन गैस ही डलवाते हैं क्योंकि इसके कई रीजन हैं। नॉर्मल हवा हम भरवाते हैं टायर में वो बहुत ही जल्दी निकल जाती है महीने दो महीने में, और जो नाइट्रोजन गैस होती है वो बहुत ही धीरे धीरे निकलती है। नॉर्मल हवा भरवाने में टायर फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाती है, और नाइट्रोजन बहुत ही ठंडी रहती है इसलिए टायर कभी भी गर्म नहीं होगा और फटेगा भी नहीं। दोस्तों आपने जरूर देखा होगा हर एक एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, पर आपको पता नहीं होगा ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि जो भी गाड़ी उसके आगे जा रही है उसको ढंग से दिख जाए कि पीछे वाली गाड़ी के आगे एम्बुलेंस लिखा है और उसको वो जगह दे दे आगे निकलने के लिए, ये सिर्फ इसीलिए लिखा। अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए बाइक कितनी तरह की आती है। सबसे पहले आती है क्रूजर बाइक जिसपे आप लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, फिर आती है स्पोर्ट्स बाइक जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस नहीं किया जाता, और एक आती है डर्ट बाइक जो बेकार रास्तों के लिए होती है बेकार सड़कों के लिए होती है जिसपे वो आराम से चल सकती है, फिर आती है स्ट्रीट बाइक जो सिर्फ स्ट्रीट में आप चला सकते हैं जिनमें लॉन्ग डिस्टेंस उतना नहीं हो सकता। आपको अपनी जगह देखकर उसके हिसाब से ही गाड़ी खरीदनी चाहिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए अगर आपके फ्रेंड्स हाथों से ये साइन बनाते हैं तो उनका ये मतलब होता है, इसका मतलब हेलो होता है, इसका मतलब होता है गुड जॉब, इसका मतलब है लिव लॉन्ग, इसका मतलब नो आई लव यू, आई रियली लव यू, सी यू लेटर, रॉक एंड रोल, कोट। दोस्तों अगर आप भी अपने वजन से परेशान और पतला होना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज सीख लो। आपको ये 5 एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए करनी है सिर्फ एक दिन में, और आपका निकला हुआ पेट बहुत ही जल्दी अंदर हो जाएगा। इसको सेव कर लो, रोज करो। दोस्तों डॉक्टर हमेशा सफेद कोट डालते हैं क्योंकि सफेद कोट भरोसे का प्रतीक है, और दोस्तों वकील हमेशा काले कोट में ही दिखेंगे ऐसा माना जाता है कि काले कपड़ों में झूठ नहीं बोला जाता, और पुलिस वाले खाकी इसलिए डालते हैं क्योंकि खाकी कपड़ा गंदा नहीं होता जल्दी। दोस्तों ये 2018 की सबसे तेज चलने वाली चीजों की लिस्ट है। जो फाइटर जेट है वो 7200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ सकता है, जो हेलीकॉप्टर है ये 487 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ सकता है, इनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं देख लीजिए, ये जो कार है ये 435 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सकती है, ये एरोप्लेन है बोइंग 747 इसका नाम है ये 920 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ता है, ये जो बाइक है ये 560 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सकती है। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। आपके लिए बेस्ट हेयर स्टाइल कौन सा है उसके लिए सबसे पहले आपने देखना अपने फेस की शेप कौन सी है, ओवल है, स्क्वायर है, ओब्लिंगल शेप है, राउंड है या डायमंड शेप है, उसके हिसाब से ही आपने अपना हेयर स्टाइल चूज करना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा।